आइए दोस्तों, हमारे मुशायरों की बेहद बासलाहियत शायरा जो कानपुर की नुमाइंदगी हिंदुस्तान की गोशे गोशे में करती है और हिंदुस्तान की नुमाइंदा शायरा की हैसियत से मुख्तलिफ मुल्क के मुशायरों में शिरकत करती रहती है। बज़्मे सुखन का रंग निखर आया इस तरह जैसे निखार आया हो ताजा गुलाब पर और आवाज दे रही है तुम्हें दिल की धड़कने, आ जाओ अपने बज़्म है पूरे शबाब पर मोहतरमा तरन्नुम कानपुरी माइक पर। हाजरीन लायक सद एहतराम आली जनाब अली अहमद साहब राजापुर सिकरर जो कि इस वक्त दुबई में हैं, इस मुशायरे के सरपरस्त हैं, और आली जनाब भाई शादाब साहब वो भी दुबई में हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इन हजरात की ज़ेर सरपरस्ती में आज इस खूबसूरत मुशायरे का इनकाद हुआ है आपके दयार में। भाई हमज़ा साहब और जुमला अराकीन के हुक्म पर आप हजरात के खिदमत में हाजिर हुई हूँ। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि अकबर साहब दंपी जिनके करम से इस मुशायरे को हमज़ा साहब ने फ्री किया है, ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बड़ी खुशी की बात है, मुझे बेहद खुशी हुई, और मेरी आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है शोरा हजरात से भी और आप हजरात से भी कि उनके हक़ में दुआ फरमाएँ ताकि आइंदा भी इसी तरह आपके दयार में ये मुशायरा होता रहे और आला से आला पैमाने पर हो, खुदा करे। आइए हजरात, सदर मोहतरम से इजाज़त ले ली है मैंने, एक गज़ल हाजिर कर रही हूँ। वाकई आज मुझे बहुत अच्छा लगा है, हालांकि मैं इधर गैर हाजिर रही तकरीबन 2 साल से, इस दयार में जल्दी आना नहीं हुआ, मसरूफियात हमारी रही, कई मौके ऐसे आए लेकिन चूंकि बाहर मैं मंजूरी दे चुकी थी, बाहर के खुदा का शुक्र है कि आज मैं आप सबों के दरमियान हाजिर हूँ। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए एक गज़ल हाजिर कर रही हूँ और उसके बाद एक नज़्म के लिए मुझे हुक्म हुआ है, मैं वो भी सुना कर जाऊँगी। एक गुजारिश है कि मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ आप सबको कि वाकई आज आपने वालेहाना अंदाज में इस मुशायरे को सुना है, बहुत ही मूड के साथ हर शख्स अपनी जगह पर इस मुशायरे को कामयाब बना रहा है, बहुत खुशी हुई। मैं भी यही तवक्को रखती हूँ और मतला हाजिर कर रही हूँ, समाअत फरमाएं। समाप्त फरमाए। भाई तशीफ रखें। तेरी जान से जो ऐलान वफा हो जाए, तेरी जान से जो ऐलान वफा हो जाए, जो ऐलान वफा हो जाए, तेरी
की खत्म फजा हो जाए, शुक्रिया नवाजिश है आपकी। तेरी जानिब से जो ऐलान वफा हो जाए, बदगुमानी की अभी खत्म फजा हो जाए। और शेर सुने कि बेवफाई पे भी मरता है जमाना उस पर, बेवफाई पे भी मरता है जमाना उस पर, जाने क्या बात जो पाबंद वफा हो जाए। और ये भी शेर बतौर खास समात फरमाए कि मुझको दुनिया के बेवफाई पे भी मरता है जमाना उस पर, जाने क्या हो जो वो पाबंद वफा हो जाए। दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि जो लोग जा रहे हैं, देखिए दोस्तों मुशायरा अच्छा और कामयाब वही होता है जो सदर मोहतरम की इजाजत से खत्म किया जाता है। और जो लोग जा रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये अदब की हदें तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो आपको अल्ताजिया को एक बार फिर सुनना है और अपने दूसरे तरीके शायरों को सुनना है, मोहतरमा करमुल कानपुरी की और उनकी जो बहुत ही कामयाब नज्म है उनको उसे भी समाप्त करवाइए, उसके बाद आपकी पसंदीदा शायर माइक पर आएंगे। तशरीफ रखिए हजरात, ये अदब शायरी पहली बार यहाँ मुशायरा हो रहा है, इसीलिए आप हजरात की अदब की हदें तोड़ रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है दोस्तों। मैं जानती हूँ कि सारी रात आप हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, किसी न किसी ज़रूरत से आपको जाना है, कतई इनकार नहीं है मुझे, आप जाना चाहते हो चले जाएं, ताकि जो लोग सुनना चाहते हैं उनके लिए माहौल ना ख़राब हो। हाँ समात फरमाए, जाने क्या हो जो वो पाबंद वफा हो जाए, और मुझको दुनिया के तवाफ का कोई रंज नहीं, फिक्र इस बात की है तू न खफा हो जाए, फिक्र इस बात की। हौसला अफजाई का शुक्रिया। और ये भी शेर आपकी इन खूबसूरत समातों की नजर करती हूँ भाई। हाँ दरमियान में जो लोग जरा सी गड़बड़ी कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं आप चले जाएं, खुदा के लिए इतना खूबसूरत माहौल ना बिगाड़े आप। हाँ सुनिए आप हजरत, कि मेरे ही से का मुझे जाम न दे ऐ साकी,
मेरे हिस्से का मुझे जाम न दे साथी, मेरे हिस्से का मुझे जाम न दे साथी, मेरे हिस्से का मुझे जाम न दे साथी, किसी प्यासे का किसी प्यासे का अगर इसमें भला हो जाए, किसी प्यासे का। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश है आपकी। और जायजा पुणे जायजा इससे पहले के कोई हश्र बपा हो जाए, इससे पहले के। हौसला अफजाई का शुक्रिया, हाजिर कर रही हूं। जायजा पुने अमल का है जरूरी नादा, जायजा पुने अमल का है जरूरी नादा, इससे पहले के कोई हश्र बपा हो जाए, इससे पहले के। और हाजरीन, ये भी शेर समाप्त फरमाएं, आप सबके लिए बिल्कुल नए हैं, शायद पसंद आए। कि पेश करते हैं फरिश्ते भी अकीदत का खराज, पेश करते हैं फरिश्ते भी अकीदत का खराज, पेश करते हैं फरिश्ते भी अकीदत का खराज, उसकी क्या बात जो बर्बाद वफा हो जाए, हौसला अफजाई का शुक्रिया, नवाजिश है आपकी। और ये शेर बहुत ही अदब के साथ हाजिर कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा हौसला बढ़ाएंगे। सुने आप सब, कि उस सफीने को भला कौन डुबो सकता है, उस सफीने को भला कौन डुबो सकता है, उस सफीने को भला कौन डुबो सकता है, जिस सफीने का निगहबान खुदा हो जाए, जिस सफीने का निगहबान खुदा हो जाए। और इसी सिलसिले का ये भी शेर समाप्त फरमाए, कि ये समझ लीजिए, अल्लाह की रहमत है करीब, ये
समझ लीजिए अल्लाह की रहमत ये समझ लीजिए अल्लाह की रहमत है करीब ये समझ लीजिए अल्लाह की रहमत है करीब जब गुनहगार को एहसास खता हो जाए जब गुनहगार को और गजल का आखिरी शेर समाप्त फरमाए हाजिर कर रही हूँ सदर मोहतरम का हुक्म है ये समझ लीजिए अल्लाह की रहमत है करीब ये समझ लीजिए अल्लाह की रहमत है करीब जब गुनहगार को एहसास खता हो जाए जब गुनहगार को और कुफ्र सामा है कुफ्र सामा है मेरे दस्ते हुनर का ये कमाल कुफ्र सामा है मेरे दस्ते हुनर का ये कमाल कुफ्र सामा है मेरे दस्ते हुनर का ये कमाल मैं जो पत्थर को तराशूं तो खुदा हो जाए आपकी कुफ्र सामा है मेरे दस्ते हुनर का ये कमाल मैं जो पत्थर को तराशूं तो खुदा हो जाए और एक गजल और एक गजल और तरन्नुम से तरन्नुम छेड़ो एक गजल और तरन्नुम से तरन्नुम छेड़ो एक गजल और तरन्नुम से तरन्नुम छेड़ो कुछ तो हक नाम तखल्लुस का अदा हो जाए कुछ तो हक नामो आइए हजरात कुछ हुक्म हुआ है गजलों के लिए मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो कन्वीनर मुशायरा हमजा खान से डाइस पर आकर मिलिए जनाब दिल खानाबादी खुदा की कसम बहुत ही इस वक्त जो माहौल है उसमें मेरा भी जी चाह रहा है कि ये दो तीन शेर जो मेरे बिल्कुल नए हैं मैं इस्लाह के तौर पर ख़ास तौर से आपके दयार से इसका आगाज़ करती हूँ मुमकिन है कि मुझे पढ़ने में कुछ दिक्कत सी महसूस हो मुसलसल कुछ जाग भी रहे हैं उसे नज़रअंदाज कर जाएं आप और उसके बाद दो तीन शेर और मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी उसके बाद एक नज्म फिर इजाज़त चाहूंगी समात फरमाएं एक गुजारिश है कि भरपूर तवज्जो से अगर आपने हमारे ये अशआर सुन लिए तो मेरा हौसला बढ़ेगा
اور میں بڑے فخر کے ساتھ آئندہ کسی شہر، کسی گاؤں، کسی قصبے میں اس غزل کو پڑھ سکوں گی. سماعت فرمائیں، مطلع ہے. خاص طور سے آپ حضرات سے بھی توجہ چاہوں گی. سماعت کے ماحول میں آ جائیں. یقین و عزم کی قوت، یقین و عزم کی قوت، زمانے پر آیا کر دو. یقین و عزم کی قوت، یقین و عزم کی قوت، زمانے پر آیا کر دو. یقین و عزم کی قوت، زمانے پر آیا کر دو، زمانے پر آیا کر دو. عمل کو اپنے اپنی زندگی کا راز دا کر دو. عمل کو زندگی کا راز دا کر دو، عمل کو اپنے اپنی. اور اشعار پر توجہ چاہوں گی، سماعت فرمائیں. جہاں سے آپ نے ابھی تک اس مشاعرے کو بھرپور کامیاب بنایا ہے، شعرا حضرات کی بھرپور حوصلہ افزائی فرمائی ہے، وہیں سے یہ ناچیز اردو کی خاتمہ چند منٹ کے لیے آپ سے دعاؤں کی طالب ہے. سماعت فرمائیں یہ شعر. مر جالے گرد شیعیام، کیا جو ٹوک دے تم کو. مجالے گرد شیعیام، کیا جو ٹوک دے تم کو. بڑھو اور تیز طرف تا رے عظیم نوجوان کر دو. بڑھو اور تیز طرف تا رے عظیم نوجوان کر دو. مجالے گرد شیعیام، کیا جو ٹوک دے تم کو. مجالے گرد شیعیام، کیا جو ٹوک دے تم کو. بڑھو اور تیز طرف تا رے عزم نوجوان کر دو. بڑھو اور تیز طرف تا. اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. اگر آپ کے جذبات و احساسات کی ترجمانی نظر آئے تو ترنم نوازی کا ثبوت دیجیے گا. سنیں آپ سب. جو ٹھوکر بن کے آئے سامنے راہ تراقی میں، جو ٹھوکر بن کے آئے سامنے راہ تراقی میں، تم ایسے ایک ایک پتھر کو بے نام و نشان کر دو. تم ایسے ایک ایک پتھر کو بے نام و نشان کر دو. جو ٹھوکر بن کے آئے سامنے راہ تراقی میں، تم ایسے ایک ایک پتھر کو بے نام و نشان کر دو. تم ایسے ایک ایک پتھر.
اور حاضرین شعر آخر سماعت فرمائیں. اندھیرے کا تمہیں غم کیوں ہے اپنے عزم روشن سے, اندھیرے کا تمہیں غم کیوں ہے اپنے عزم روشن سے, غبارے راہ میں پیدا جمالے کہ کشاں کر دو, غبارے راہ میں پیدا. بہت بہت شکریہ. آئیے حضرات فرمائشیں بعد میں, پہلے وہ نظم میں حاضر کرنا چاہتی ہوں جس نظم کے لیے مجھے حکم ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اردو کے چاہنے والوں کا یہ کثیر مجمع, اس کا احترام بھی لازمی ہے. میں حاضر کر رہی ہوں وہ نظم, سنیں آپ سب. بہت ہی خوبصورت نظم ہے اردو کے حوالے سے, زبان اردو میرا نام, زبان اردو میرا نام, زبان اردو میرا نام, پیار محبت اور یک جیتی میرا ہے پیغام, زبان اردو میرا نام, زبانی اردو میرا نام. بن سنے کہ آپس میں ملنے جلنے کی میں نے راہ نکالی, ساتھ ہواؤں کے میں کی میں بن کر پھول کی ڈالی, میں ہی ہوں امید کہیں پر اور کہیں پر آشا, میں کیا جانوں فرقہ پرستی میں تو ہوں ایک بھاشا, جتنا ہندو دھرم ہے پیارا, جتنا زبانِ اردو میرا نام, زبانِ اردو میرا نام, زبانِ اردو میرا نام. اور اگلا بند کہ قتل کیا حالات نے لیکن آج بھی ہوں میں زندہ, اور دیکھ کے میرے لب پہ تبسم قاتل ہیں شرمندہ, قتل کیا حالات نے لیکن آج بھی ہوں میں زندہ, دیکھ کے میرے لب پہ تبسم قاتل ہیں شرمندہ, جیسا میرا ریشمیاں چل ویسی میری بندی, میں بھی اسی دھرتی پر جنمی میری بہن ہے ہندی, چاہ تو لوگوں نے لیکن ہو نہ سکی بدنام, زبانِ اردو میرا نام, زبانِ اردو میرا نام, زبانِ اردو میرا نام. اور نظم کا آخری بند سماعت فرمائیں کہ گنگا جمنا کے پانی سے اپنا تن من دھویا, اور جب جب میری دھرتی روئی میرا دل بھی رویا,
मुझ में है भारत की खुशबू, मुझ में है सच्चाई, अशफाकुल्ला और बिस्मिल हैं दोनों मेरे शहदाई। इन दोनों का मुझसे पूछो, इन दोनों का मुझसे पूछो रुतबा और मकाम, ज़बाने उर्दू मेरा नाम, ज़बाने उर्दू मेरा नाम, ज़बाने उर्दू मेरा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। नहीं देखिए मेरे भाई, मैं इस इलाके के लिए नई हूँ, आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि मैं गीत नहीं कहती हूँ। दो तीन बार इस गज़ल के लिए मुझे हुक्म हुआ है, अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसके दो तीन शेर मैं पढ़ दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इजाज़त दे दी है। समाज फरमाएं, भाई मेरे गीत के लिए हमारे और भी शोरा हज़रात व हमारी बहनें तशरीफ़ रखती हैं, वो आएंगी आपको गीत सुनाएंगी। सुन ले ये गज़ल, मतला है कि मेरे लब पे आता है जिक्र दम बदम उनका, मेरे लब पे जिक्र दम बदम उनका, मेरे लब पे आता है जिक्र दम बदम उनका, उनके दिल का गम मेरा, मेरे दिल का गम उनका, उनके दिल का गम मेरा, मेरे दिल का गम का। और सानी मतलब बतौर खास सुने कि कल खुशी थी दामन में, आज सिर्फ गम का, कल खुशी थी आज सिर्फ गम का, कल खुशी थी दामन में आज सिर्फ गम का, वो भी था करम का, ये भी है करम का, वो भी था करम का। आखिर मेरे पढ़ते हैं ना, जो भी हो उसके लिए यही होता है कि बड़े डिस्टर्ब होते हैं। बहरहाल आपसे मुखातिब हूं, सुन ले आप हजरात दो तीन शेर और। कल खुशी थी दामन में, आज सिर्फ गम वो भी था करम उनका, ये भी है करम उनका। और शेर बतौर खास कि वो जिसे जहां चाहिए जिम्मेदार ठहरा दे, वो जिसे जहां चाहे जिम्मेदार वो, जिसे जहां चाहे जिम्मेदार ठहरा दे, खिताए अरब उनका, खिताए अजम उनका,
خطۂ عرب ان کا، خطۂ عجم ان کا۔ اور حاضرین ہمارے کرم فرمائیں جناب گڈو صاحب جو کہ بھادوں سے تشریف لائے ہیں، ان کے پہم اصرار پر میں یہاں آئی ہوں۔ بہت ہی آپ کے دیار کی انہوں نے تعریف کی تھی۔ یہ شعر میں بہت ہی ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر کر رہی ہوں، سماعت فرمائے۔ کہ بس یہی تقا، بس یہی تقاضا ہے، بس یہی تمنا ہے، بس یہی تقاضا ہے، بس یہی تمنا ہے، بس یہی تقاضا ہے، بس یہی تمنا ہے۔ ایک بار آ جائے میرے گھر قدم کا، ایک بار آ جائے میرے گھر قدم کا۔ نوازش ہے آپ کی۔ اور شعر آخر کہ خوب جانتی ہوں میں غم ہے دولت کون، خوب جانتی ہوں میں غم ہے دولت کون، خوب جانتی ہوں میں غم ہے دولت کون، میں چھپائے بیٹھی ہوں اپنے دل میں غم کا، میں چھپائے بیٹھی ہوں۔ یہ عالمی شہرت یافتہ شاعرہ محترمہ کرم کا